मैया मोरी मैने माखन माखन ले कहा वो कुल में जो मैली आँखों माखन है कहा गोकुल में जो मैली आँखों मैया मोरी मैने माखन खायो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ए बच्चों दूध तैयार है मैं ला रहा हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या अरे बाप रे आपके धोती पर एक गोशे जी बैठे हुए हैं। धोती पर? कौन से धोती पर? आपके धोती पर। ये क्या है? इसने निकाला? अरे निकाल इसको। ये बहुत ज्यादा बच्चा है। इसे काट दो। नकली बिच्छू से इतना रखता है आजकल हिंदुस्तानी पेटर्न ट्रेन से नहीं रखते। क्या बच्चों के लिए दूध देख रहा? आज का पेपर कहाँ? शर्म नहीं आती चोटी के साथ इतना घटिया मजाक। नकली बिच्छू के बदले में असली बिच्छू लगाता तो बहुत मजा आता। आइन का ख्याल रहे बेटा। अरे तो ये किसकी बदमाशी है? किसकी शरारत है? अंकल इसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा जी का फोटो था इसलिए मैंने कार्ड लिख किया। अगर फिर तूने मेरे अखबार को हाथ लगाना तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा समझे? अरे हटा इसको नहीं तो सारा दूध भ्रष्ट कर देगा। उठा अपना गिलास। बादल कहाँ है? छोटी महाशय वो नहा रहा है। थक तेरे की अभी तक नहा रहा है। क्यों ज्योति महाशय क्या ढूंढ रहे हो? अरे दुष्ट ये मिशन तेरा ही कार्य है। नाम तेरा उजाला और काम है तेरा कावा। बता तूने मेरा दूध क्यों पिया? हाँ पिया पिया जा बोल दे अंकल को मैं भी बोल दूंगा कि तुम हमारे दूध में पानी मिला दो और अपने लिए हलवापुरी बना दो। अरे तू कितना अच्छा बच्चा है। ये कितने गंदे कपड़े पहने तू तो कितने गंदे मेरे बाप मैं तेरे पांव पड़ता हूँ मैं तेरे पांव पड़ता हूँ लेकिन बड़े भैया से मत कहना। मेरी तौबा मैं आज से हलवा पूरी नहीं खाऊंगा अपनी अलग से भोजन नहीं बनाऊंगा दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा समझ गया मेरे बच्चे? अबे कौन सा तेल लगाता है? नहीं मैं तेरी गलती से घी की मालिश करूंगा। राजदान साहब जय हिंद। जय हिंद भैया। ये देखिए इस बार बच्चों की क्या हस्ती खेलती तस्वीरें लाऊं मैं राजदान साहब। बस जल्दी से नोटों की छलकी दिखाई जल्दी से। नहीं ब्रह्मचारी नहीं अब मैं अपने मैगजीन में तुम्हारे बच्चों के फोटो नहीं छापूं। तुमने क्या मेरे पेपर को अपने यतीम खाने की एल्बम समझ लिया है? इससे पहले ही मैंने इतने फोटो छाप दिए हैं कि लोग मेरे मैगजीन को बच्चों का पर्चा समझने लगे। लेकिन राजदान साहब बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं। जी लेकिन भगवान मेरा पेपर नहीं खरीदते लोग खरीदते हैं जो भगवान को किसी और रूप में भी देखना चाहते हैं मर्द के रूप में औरत के रूप में। यानी कि आपको लड़कियों की तस्वीरें चाहिए 37 22 37 यानी कि 37 22 37। नहीं ब्रह्मचारी ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। हेलो हाँ प्रूफ नंबर 16 मैंने देख लिया प्रिंटिंग में भेज दीजिए। राजन साहब लेकिन आप तो जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत और ये भी मानता हूँ कि जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत महान है लेकिन दिन रात काम करने पर भी तो तुम्हारा पूरा नहीं पड़ता।
तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं खोजते? जैसे मैं अपने अखबार में इश्तिहार दिए देता हूँ कि जिन मालदार मगर बे औलाद वालों की इच्छा हो वो तुम्हारे यतीम खाने से बच्चे गोद ले सकते हैं। इस तरह तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। और लेकिन मैं उन्हें बोझ नहीं समझता हूँ राजदान साहब, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनसे कई एक को तो मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। ये पागलपन है। मुझे क्या मालूम नहीं कि तुम्हारा मकान तक गिरवी पड़ा हुआ है? कितने का कर्जदार? 15,000। सूद मिलाकर 20,000 हो चुका है। और मेरे बॉस ने धमकी दी है अगर मैं कर्जा वक्त पर नहीं चुका सका तो घर को नीलाम करवा देंगे। समझ में नहीं आता तब मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा। ऑल राइट, मैं तुम्हें 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन तस्वीरों के नहीं। कोई ऐसी तस्वीर खींच के लाओ जो जिंदगी की जीती जागती तस्वीर। मतलब ये कि किसी बड़े नेता का ऐसा पोज जो किसी प्रेस फोटोग्राफर को ना मिल सका हो। समथिंग यू नो एक्सक्लूसिव। किसी हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान का दिल दहल जाए। बस समझ गया। और यकीन जानिए ऐसी तस्वीर लेकर आऊंगा कि कलेजा मुंह को आ जाए। उस इश्तिहार के बारे में क्या कहते हो? बाद में बताऊंगा साहब, फिलहाल मैं आपसे 500 रुपए कमाने के फिराक में जा रहा हूँ। जय हिंद। जय। नमस्ते नमस्ते साहब जी। साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सारू सारू चलिए अंदर चलिए। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। फिर सामने वाला मकान कौन है? नहीं, उधर कोई नहीं रहता। पर सर जी, 20,000 रुपया पगड़ी बता रहे थे। हाँ ज्यादा है। आपको शांति भी चाहिए और पगड़ी भी ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए तो मेरे पास 25,000 का ऑफर है। नहीं नहीं, 20,000 रुपया ले लो अभी। दो घर वालू। हाँ अरे लाओ हमारा पैसा। मैंने तो पहले भी खबर थी क्या घर में कहीं घोटाला थे। चलो धनिया भाई, जो इसे अच्छा हो तो फंसे क्यों होते हैं। ये भी सोचा कि ये सब आप लोगों का काम है जो मैं कर रहा हूँ। इतने सारे बच्चों का पेट पालता हूँ, इनको पढ़ाता हूँ, इनको लिखाता हूँ। आप तो जानते हैं मैं थोड़े से रुपए कमाता हूँ सेठ जी, और आज घर में इतनी कड़की थी कि खाने पीने का प्रबंध वो ही नहीं रखा। इसलिए मैं सब बच्चों को गाने बजाने में लगा रखा था ताकि इनका ध्यान बटा रहे और ये रोटी ना मांगे। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने तुम्हें आसन चलाने के लिए कहा था। आप जैसे की ही औलाद है सेठ, इसलिए मेरा ही नुकसान करेंगे। तुमसे अगर संभाले नहीं जाते तो कर दो कमेटी वालों के हवाले। ऐसा अगर से कीजिए प्रभु, आप हमारे पड़ोसी है और आपका भी कुछ कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट ने आपको उद्देश्य बताया है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, उसके दुख में हाथ बचाओ। और दुख तो सेठ जी आजकल के जमाने में सिर्फ रुपयों से ही दूर होता है। समझ गया। तुम लोग उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हो। क्या करूँ, फंस जो गया हूँ। मकान जो किराए पर देना है ये लो 200 रुपए। और ध्यान रहे आइंदा अगर किसी किराए की शुक्रिया कर यही 200 रुपया पहले दे दिए होते तो आपको किराया था। यहाँ इतनी शांति दिखाई देती है ये शमशान घाट। हाँ, ये नहीं देखना चाहिए।
बच्चे 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 हैं। बच्चे लोग कल स्कूल की फीस भरना। अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए। अंकल मेरी स्कूटर, अंकल मेरी किताबें। अच्छा चलो मेरे साथ। हाँ तो मैं जो कुछ दिला दूंगा। ओके दिला।